कुछ और खबरें देखते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। बैठक में पार्टियों को जारी की जाएंगी गाइडलाइन। सीईओ अनुपम राजन कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। बैठक में बीजेपी कांग्रेस समेत कई दल शामिल होंगे। सुबह करीब 11 बजे मीटिंग शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चुनाव आयोग बैठक लेने जा रहा है सभी राजनीतिक दलों के साथ। जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनके बारे में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी जाएगी। सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी और बैठक में सीईओ अनुपम राजन कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत जो अन्य दल हैं जो चुनाव में उतरने वाले हैं, सभी दलों को बुलाया गया है। 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक होगी जिसमें सभी राजनीतिक दल मौजूद रहेंगे और चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को गाइडलाइन जारी की जाएगी। नियमों का के बारे में बताया जाएगा क्योंकि आचार संहिता लागू है और आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बैठक के लिए बुलाया है सुबह करीब 11 बजे। यानी कि अब से लगभग 2 घंटे बाद ये मीटिंग शुरू होगी जिसमें सभी राजनीतिक दल मौजूद रहेंगे और चुनाव आयोग की तरफ से सीईओ अनुपम राजन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और उनको गाइडलाइन के बारे में जानकारी देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक क्योंकि आचार संहिता लागू है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और इसी के मद्देनजर ये इस बैठक का आयोजन चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 11 बजे मीटिंग बुलाई है चुनाव आयोग ने, तो सभी दल के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे, क्या गाइडलाइन दी जा सकती है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समूचे देश और मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग भी आज जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ बैठकें करने वाली हैं। बैठक के जरिए जो आचार संहिता के नियम और किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव में किन पोलिंग बूथों पर क्या व्यवस्था होगी, तमाम चीजों को लेकर राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की जाएगी। निर्वाचन आयोग के जो राज्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे, अनुपम राजन बातचीत करेंगे, और साफ तौर पर जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य जो पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं उनसे चर्चा होगी। चर्चा के दौरान बताया जाएगा कि किन पोलिंग बूथों पर क्या व्यवस्था होगी, किन नियमों का उन्हें जो नेता हैं उनको, पार्टियों को किन नियमों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहां वीडियोग्राफी कराई जाएगी, कहां वीडियो जहां कहां पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी, तो तमाम पहलुओं पर आज राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग भी जो है निर्वाचन आयोग करने जा रहा है। ठीक है अजय दुबे, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ये मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठते हैं, तो चुनाव आयोग की कोशिश है कि पारदर्शिता के साथ ही पूरे चुनाव कराए जाए। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है 11 बजे होने वाली इस बैठक में।